किसानों के लिए पराली सालों से सिरदर्द बनी रही है, लेकिन कैथल के गांव रेवाड़ जागीर के रामकुमार ने इसी पराली से बिजनेस कर अपनी और छोटे भाइयों की किस्मत ही बदल डाली। आज वो इस पराली से हर साल 2 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रहे हैं और 300 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। रामकुमार की कहानी किसी स्टार्टअप से कम नहीं है। वो 2008 से ही फाइनेंस पर ट्रैक्टर ट्रोली लेकर खेतों से पराली उठाते हैं और फैक्ट्रियों में बेचते भी हैं। जब फैक्ट्री वाले नहीं खरीदते तो इसका चारा बनाकर राजस्थान में बेच देते हैं, लेकिन इससे परिवार का गुजर बसर ही हो रहा था। 2012 में जब वो पंजाब के प्लांट में पराली बेचने जा रहे थे तो उन्होंने झालखेड़ी में पराली से गांठे बनाने वाली मशीन को चलते देखा। किसान से बातचीत की तो मशीन खरीदने का मन बना लिया। दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर 2012 में 6 लाख की पुरानी बेलर मशीन खरीद ली। शुरुआत में ज्यादा कमाई नहीं हुई, लेकिन वो काम करते रहे। 2014 से 2015 में पिहोवा में पेपर मिल लगी और एक मशीन रामकुमार को इस काम के लिए दे दी गई। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव रेवाड़ जागीर, हल्का गुला, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा का वासी हूँ। रामकुमार जी, जो आपने ये बंडल बनाने का जो बिजनेस आप कर रहे हो इस समय, कब से शुरू किया आपने ये बिजनेस? मैंने 2012 से शुरू किया। 2012 में पंजाब में स्कीम आ रही थी, पंजाब से मैंने एक बेलर खरीदा मेरे रिश्तेदार मित्र प्यारों के सहयोग से, और इस बेलर को मैं हरियाणा में लेके आया। हरियाणा में ला करके खेतों में पड़ी पराली, किसानों के खेतों में पड़ी पराली को गट्ठड़ बांध के कंपनी में पहुँचाने का निर्णय लिया। इससे कमाई भी अच्छी होगी और